नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है कार्बन धात्विक यौगिक, जिसे हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये BSc पार्ट थर्ड का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है आपकी बुक में। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट बंसन ने 1842 में इसे रिकोगनाइज किया एक कंपाउंड जिसे टेट्रामिथाइल सिलेन कहते हैं, आर्सनिक कहते हैं, आर्सनिक का है इसलिए आर्सनिक बोल देते हैं इसे। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिसे कहा जाता है कि यह फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। पर 1825 में जील सॉल्ट जो कि प्लेटिनम का था उसे सिंथेसाइज किया गया था। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में एडवर्ड फ्रैंकलिन ने बहुत सारे कंपाउंड्स खोजे, जिनमें से कुछ ये कंपाउंड्स हैं जिसके आर एल्काइल जिंक हैलाइड्स या डाई एल्काइल जिंक। एंशियंट हाइपोथेसिस कहता है कि भाई कंपाउंड्स जो जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हो मेटल के साथ, ऑर्गेनिक यानी कार्बन, कार्बन किसके साथ जुड़ा हो, मेटल के साथ। तो इसकी एक दो कंपाउंड्स का उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं ये टेट्राइथाइल लेड, पहला ये कम, और दूसरा लेते हैं एल्कोक्साइड OC2H5 यानी इथोक्साइड, ये एल्युमिनियम के साथ है। अब ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा होगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हमने कहा कि कार्बन और मेटल, कार्बन यानी C2H5 ये और मेटल के साथ, या एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो एक निकल के आई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वो है जिसके अंदर मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो, जिसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहेंगे। अब ऑर्गेनिक ग्रुप में कंटेन्स सम नॉन मेटल्स हो सकता है, बोरोन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, हैलाइड हो सकता है। अब इसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है कि कंपाउंड्स हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वह यौगिक जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताएगा जिसके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा, इसके अंदर जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, और जो मेटल होगा वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, या उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। अब इसका हम नॉमनक्लेचर या नामांकरण पढ़ते हैं। पहला चलते हैं हम जो हमारा है मिथाइल लिथियम। अब इसमें देखिए हमने क्या लिखा, मिथाइल यानी CH3, लिथियम यानी Li, दूसरा फिनाइल लिथियम, ये दूसरा फिनाइल लिथियम है। इसमें क्या चीज़ निकल के आई, हमने नाम में देखी क्या बोला, मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम में CH3 Li, यानी मिथाइल CH3 लिथियम यानी Li। तो इसमें पहला क्या हुआ, पहला ऑर्गेनिक ग्रुप होगा यानी कार्बनिक समूह होगा, दूसरा धातु या मेटल होगा जिसके अंदर यहाँ से दिख रहा है। अब इस तो हम कहें अगर किसी कंपाउंड का नाम हो तो हम सिंपल से कह सकते हैं पहले ऑर्गेनिक ग्रुप हो और फिर मेटल हो। इफ़ मोर देन वन आइडेंटिकल एल्काइल और एराइल ग्रुप, एराइल यानी C6H5, एल्काइल यानी CH3 वगैरह हो सकता है, इथाइल मिथाइल। अब अगर वो एक से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रीफिक्स यानी पहले उनके नाम के आगे जोड़ेंगे डाई और ट्राई, ETC इज एडेड। एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं C2H5 जिंक, ये इथाइल जिंक है। अब यहाँ मैं इथाइल को एक दो मॉलिक्यूल दो लिख देता हूँ, तो इसका नाम क्या कह सकते हैं हम इसको, इसका हम नाम कह सकते हैं इसको हम डाई इथाइल जिंक। क्या कह सकते हैं हम इसको, डाई इथाइल जिंक। इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे CH3, ये देखिए आप CH3 के साथ है तो ट्राई मिथाइल, या फिनाइल ग्रुप है C6H5, ये दो हैं तो इसको डाई फिनाइल मरकरी कह देंगे हम। अब ये आता है कि दूसरा पॉइंट ये लेते हैं कि अगर मानिए सेम नहीं है दो ग्रुप, यहाँ तो हमने कहा जैसे अपन ने कहा ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, CH3 मिथाइल तीनों एक थे, पर एक उदाहरण लेते हैं या इथाइलर मिथाइलर मैग्नीशियम है, हमने कहा नाम कैसे लिखेंगे, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप फिर मेटल का नाम। अब दो ऑर्गेनिक है, एक किससे शुरू होता है इथाइल, दूसरा क्या है मिथाइल, तो उसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार करेंगे। जैसे इफ़ मोर देन वन टाइप ऑफ
alkyl or allyl groups are present, then they are written according to the English alphabets. तो इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इथाइल पहले आ जाएगा, ई पहले आएगा, फिर मिथाइल मैग्नीशियम. तो ये हमारा इस तरह से नाम हो जाएगा. अब हम लेते हैं दूसरा नाम लेते हैं हम इसका कि कुछ हाइड्रोजन के साथ लेते हैं. हाइड्रोजन के साथ लेते हैं हम, जैसे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो तो कैसे लेंगे. यहाँ CH3 है, C2H5 है, SBH है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो नाम कैसे लिखेंगे. हमने कहा इथाइल, फिर हाइड्राइडो, हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइडो आएगा और मिथाइल एनी. तो ये इस तरह से हम इस कंपाउंड का नाम देंगे. अब एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ये आर्सेनिक का, इसमें भी हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन दो है तो इसको हम लिखेंगे डाईहाइड्राइडो डाई मिथाइल आर्सेनिक, ये इसका नाम होगा. अब हम चलते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड चलते हैं जो एक्सेप्शंस हैं, यानी जो अपवाद हैं. अपवाद के लिए हम लेते हैं एक CH3 4 सिलिकन (1, 4). इसको क्या कहते हैं, टेट्रामिथाइल सिलिकन. पर हम सिलिकन न कह के इसके नाम के क्या सिलेन यूज़ कर रहे हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन न कह के सिलेन. दूसरा कंपाउंड है ट्राई इथाइल आर्सेनिक होना चाहिए था, इसे आर्सीन बोलेंगे, ARSENE. कुछ कंपाउंड्स कहते हैं जैसे फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं तो बेस ट्रेस टेट्रा के इस तरह से हम लिखेंगे. बेस मैग्नीशियम के साथ पहला देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6 ट्राईक्लोरो फिनाइल मैग्नीशियम, ये इसका नाम होगा. अब हम लेते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स. नेम ऑफ मेटल फर्स्ट, मेटल का फर्स्ट, देन कार्बोनाइल NiCO4 होल ट्वाइस, निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, ये इसका सही नाम है. दूसरा आयरन के साथ FeCO5, आयरन पेंटा कार्बोनाइल, ये इसका नाम है. तो ये समझ में आया हमें कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, CO है, तो उसके साथ हम क्या लेंगे, पहले मेटल लेंगे, ना कि कार्बोनाइल निकिल लेंगे. तो हम इसका सही नाम क्या लिखेंगे, निकिल टेट्रा कार्बोनाइल या आयरन पेंटा कार्बोनाइल. कुछ मिक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं. मिक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स यानी वह कंपाउंड जिसका मिक्स कह सकते हैं, मिक्स यानी मिक्सचर हो. मिक्सचर में हमने अब तक दो चीज़ देखी थी कि हमने देखा था ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल, अब एक इनऑर्गेनिक ग्रुप आ गया. अब क्या करें, नाम यही होगा, पहले ऑर्गेनिक मेटल इनऑर्गेनिक. जैसे CH3MgBr, इस CH3 को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका सही नाम होगा. अब लेते हैं CH3 होल ट्वाइस SnCl2, इसका डाई मिथाइल टिन क्लोराइड, ये इसका दूसरा एग्जांपल है. इस तरह से नाम लेंगे. अब इस तरह से अब एक आता है कि भाई एक पॉइंट है कि इफ़ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंटिटी देन द नेम ऑफ मेटल इज रिटन एंड 8 इज एडेड सफिक्स फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट. तो दो चीज़ आई, अगर मान लीजिए ये कंपाउंड ये ब्रैकेट में बंद है, हमने कहा ये ब्रैकेट में बंद है, इसके साथ नेगेटिव है यानी नेगेटिव कंपाउंड हो जाओ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की. अब इसके साथ नाम कैसे लिखेंगे, नाम पहले लीगेंट का लिखेंगे, इसे लीगेंट भी बोलते हैं, और जो हम ऑर्गेनिक ग्रुप ट्राईमिथाइल जिंक. अब जिंक के साथ इसके अंदर नेगेटिव है तो इसमें जिंक के साथ ATE आएगा, जो हमारा ये देखिए ATE, ये ATE जुड़ेगा तो ये जिंकेट हो जाएगा. अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भाई, मैं हम जिंक को X मान लेते हैं, प्लस ये 3 है ये 3 हो जाएगा, CH3 1 होती है, बराबर -1. तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के कितना जाएगा, 2, जिसको हम रोमन नंबर्स में इस तरह से ये देखते हैं. तो ये हो गया ट्राईमिथाइल जिंकेट. इसी से ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके आगे और पढ़ेंगे. धन्यवाद.